हेलो जन, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है इस लॉकडाउन में। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज लेक्चर नंबर 12 है आपके सामने। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपसे बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, उस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आएगा। क्योंकि जब हम बीच में पढ़ना शुरू कर देंगे, स्टडी करना शुरू कर देंगे बढ़िया सा, तो वहां पे बार बार ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फार्मूला क्या होता है। और बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं जेई मेंस एग्जाम में, इक्वल टू 1/4π0Q/r2। तो इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, तो वो सब फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कैसे गेट करते हैं, तो इन सब के बारे में क्या करना है स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करना है। तो इसके प्रीवियस का जो लेक्चर, जितना भी लेक्चर 11 तक हुआ था, उसमें मैंने क्या कह दिया था, चार्ज का चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के इलेक्ट्रिक फोर्स तक, कूलम्स ला का वेक्टर फॉर्म प्लस न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में आए, इन सबको मैंने क्या कर दिया, 11 लेक्चर तक पूरा क्लियर कर दिया है। और आज आपके सामने लेक्चर नंबर 12 आ रहा है। इस 12वें लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो क्या करिएगा, इस लेक्चर को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत, कह सकते हैं बहुत बेसिक से चलेगा और स्टार्ट होगा शुरू से, बेसिक से लास्ट में हम हाई हाई चीजें देखेंगे। तो अगर आप छोटी चीजों को भूल जाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक वजह मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल पर आपको टिल दिसंबर तक बहुत ज्यादा वीडियो मिल जाएगा और क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड पूरा। ओके, सो बिना टाइम नुकसान किए, बिना टाइम लॉस किए चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने से पहले यहां पे नए टाइप्स के चार्ज की मैं बात करता हूं। वो जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। यहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट चार्ज का, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं टेस्ट चार्ज होता क्या है। वैसे जो टेस्ट चार्ज होता है स्टूडेंट, जो टेस्ट चार्ज हमारा नाम ही है टेस्ट चार्ज, इसका मतलब परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, परीक्षण, मतलब सब कुछ क्या होगा, जो भी चीजें होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सब कुछ किससे मिलेगा आपको, टेस्ट चार्ज से। इसी से टेस्ट करते हैं, जैसे कोई काम करना होता है जब, तो एक ऐसा पर्सन होता है जिसपे टेस्ट किया जाता है, एक ही पर्सन पे टेस्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट पर्सन। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस इसलिए होगा क्योंकि आपको क्या करना है, फोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना स्ट्रांग है सबके बारे में जानकारी लेना है। अब टेस्ट चार्ज को ही क्यों चुना गया, दिमाग में आपके आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर टेस्ट चार्ज की हम बात करें कि इसी चार्ज को सब कुछ करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई पर्सन, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई मैन है, और मैंने कहा कि पूरा का पूरा टेस्टिंग इसी पर्सन पे होगा, तो क्या आपने रियलाइज किया कि जो पूरा का पूरा टेंशन हो, सॉरी, जो पूरा का पूरा टेस्ट हो रहा है उसी पर्सन पे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन कुछ कर नहीं सकता। आप उस पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते चले जाओ, वो पर्सन कभी आपका अप्रोच नहीं करने वाला है, उसके पास उतनी पावर होती ही नहीं है, उसके पास उतनी पावर होती नहीं है कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। तो वही चीज होता है टेस्ट चार्ज में भी, जो टेस्ट चार्ज होता है ये अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता।
क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना बहुत कम होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसकी बात में कर दो बहुत लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब होता है बहुत कम, सोच में लिस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज होता है क्या है, लिस्ट पॉजिटिव चार्ज है। और अगली बार मैंने क्या बताया, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अगर इसका प्रभाव नहीं है, इसका मतलब इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका कोई फील्ड नहीं है, देयर इज नो फील्ड, देयर इज नो फील्ड। जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज के पास कोई फील्ड नहीं होता है। और इसमें जो चार्ज होता है ना, प्लस तो होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता कि कोई इसका फील्ड पैदा हो जाए, एक इलाका बन जाए इसके चारों तरफ, एक रीजन बन जाए जहां पर वो क्या कर सके, अपने प्रभाव को दिखा सके। सपोज आपके पास बहुत कम पावर है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रभाव को, अपने इफेक्ट को पूरे रीजन में नहीं दिखा सकते, किसी एरिया में। आपके पास कम पावर है तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही नहीं। तो अगर किसी को कोई भी टेस्ट करना हो, क्या करेगा, आपके ऊपर आके पूरा टेस्ट कर देगा, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे। आप ना तो आपके पास कोई फील्ड है, ना आपके पास कोई ज्यादा चार्ज है, आपके पास कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पावर है। तो वही चीज होता है टेस्ट चार्ज में भी, कि टेस्ट चार्ज होता है ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो स्ट्रांग होगा नहीं, और ना इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैसा होगा तभी आपके पास फील्ड बनेगा अच्छा सा, नहीं है फील्ड इसका मतलब आपके पास पैसा भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके समझ सकते हैं आप अपने डेली लाइफ में। और इसका जो सिंबल होता है टेस्ट चार्ज का, टेस्ट चार्ज का सिंबल होता है क्यू ना। जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उसका सिंबल क्या होता है, क्यू ना। तो याद रख लीजिए, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ना उसका सिंबल क्या होता है, क्यू नॉट। और इस टेस्ट चार्ज का ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे मैंने बताया नो फील्ड, नो फील्ड। और इसके पास ज्यादा से ज्यादा चार्ज होता है, बहुत थोड़ा सा आवेश होता है, थोड़ा सा चार्ज होता है। ओके, तो इट्स वाज अबाउट द टेस्ट चार्ज। लेट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट अगर मैं किसी स्पेशल एक पर्सन की बात में कर दूं, एक स्पेशल पर्सन की बात कर दूं, तो हर एक पर्सन का क्या होता है, अपने अराउंड में फील्ड रहता है, इलाका क्या होता है, इलाका। जिसमें बात कर दूं एक स्पेशल पर्सन की, ये पर्सन है, तो इस पर्सन का क्या है, चारों तरफ एक फील्ड बना है, इसका क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इलाका। इलाका होता है दबंग लोगों का ना, दबंग भाई का, दबंग लोगों का इलाका होता है। अभी जब इस पर्सन का इलाका इतना हो गया, तो अब इसके इलाके में अगर सपोज दैट कोई अदर पर्सन आया तो इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब, फोर्स का मतलब WWE होगा, मारधाड़ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अभिशली बात है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, इसके इलाके में जा रहा है। तो जब ये इसके इलाके में जाएगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स, यानी कि कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो इस पर्सन के चारों ओर, इस पर्सन के चारों ओर जितने फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं इलाका या फिर फील्ड बोल सकते हैं। तो अगर उसी पर्सन के स्थान पर आपके पास चार्ज हो जाए, इसी माइंड के पास क्या हो जाए, सॉरी माइंड को हटा करके चार्ज कर दो, माइंड को हटा क्या कर दो, चार्ज कर दो, तो हमारा कैसा फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, इलाका है। क्या हो गया, इलाका। और अब क्या होगा कि जब इस इलाके में, जब इस फील्ड में
कोई चार्ज आएगा, वो चार्ज कैसा होगा याद कर लो, टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज के आने से वो अपना प्रभाव तो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जिसके फील्ड में आएगा, जिसके घर में आएगा, वो उस पर अटैक करेगा। जैसे आप किस, आप सपोज टेस्ट हो, टेस्ट पर्सन हो, तो आप किसी के घर में जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके घर में जाएंगे वो क्या करेगा, आप पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। तो वही चीज होता है कि इस इलाके में तो आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड काइंड ऑफ इलाका, ये क्या है, एक प्रकार का इलाका है। तो अगर इसके मैं डेफिनेशन की बात कर दूं, तो डेफिनेशन में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं रीजन अराउंड आ चार्ज, रीजन अराउंड आ चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो आपके पास यहां पे क्या है, एक चार्ज क्यों था, तो अब इसके चारों ओर एक मैंने क्या बना दिया, रीजन, एक क्षेत्र बना दिया। और अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज आपका टेस्ट चार्ज आपका यहां पे है, तो अभी ये क्या कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके इलाके में नहीं आया है, इस चार्ज के इलाके में नहीं आया, इस चार्ज के फील्ड में नहीं आया है। लेकिन सपोज दैट अब आपका चार्ज यहां पे आ गया, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को आप यहां पर लेकर आओ, कुछ भी नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि इस चार्ज के रीजन में नहीं आ रहा है, इस चार्ज के इलाके में नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो चार्ज आपका यहां पे पहुंच जाता है, जब वो चार्ज आपका यहां पे पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इस चार्ज पर जो आपका टेस्ट चार्ज यहां पे था, टेस्ट चार्ज आपका यहां पे था, तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा, ये चीज क्लियर तो नहीं है, बट हां फोर्स तो लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो जितने रीजन में ये फोर्स लग रहा है, अब यहां पे चलो तब भी फोर्स लग रहा है, यहां पे चलो भी फोर्स लग रहा है, यहां पे ऐसे ऐसे, तो जो ये रीजन बन रहा है, जो ये रीजन बन रहा है, इसी रीजन को, इसी इलाका को, इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आप कैसे बोलोगे, द रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, रीजन अराउंड द चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपके पास कोई चार्ज है, उसके चारों ओर का एक ऐसा फील्ड होगा, जिसमें अगर आप किसी दूसरे चार्ज या टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे, तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जितने रीजन में हो रहा है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। अब बच्चों दिमाग में यह आना चाहिए कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा, पता तब चलता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि कितने पर्सन पे कितना फोर्स लगा, यानी कि दो चीज का रेशियो है। तो अगर आपको यहां पे ये पता चले, अगर इसका स्ट्रेंथ निकालना हो, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, तो कैसे पता चलेगा, फोर्स
और वो फोर्स कितने चार्ज पे लग रहा है, फोर्स और अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो अगर ये दो बात पता चल जाए तो उसको हम बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी, तो प्लीज राइट डाउन इट और इसको हम इरेज कर देते हैं। और डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारा फोर्स कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पे लग रहा है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज है, उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज दोनों का रेशियो ही आपका क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी चीज को मैंने बोला पर का मतलब होता है स्टूडेंट डिवाइड, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड लगाना है, और यूनिट का मतलब इसी तरह जैसे डिफिनेशन बनाया जाता है, डिफिनेशन बनाया जाता है, फील करो ध्यान से। अब इसको फील करो, मैं समझा रहा हूं। हमने क्या बताया कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज जो टेस्ट चार्ज था उन्हीं का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सिंबल होता है वेक्टर ई, इसका सिंबल होता है वेक्टर ई, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद यूनिट की बात कर दूं तो ये फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ये चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, या कुछ बुक्स में एक फार्मूला और है उसको मैं बाद में बताऊंगा स्टूडेंट, बट यहां पे यूनिट याद कर लो, वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट याद कर लो। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है लर्न कर लो, बेटर ई क्वांटिटी ऑफ अपॉन क्यू नॉट, कौन सी क्वांटिटी है, बेटर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब इसके मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात कर दूं, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर दो, तो आपका यहां पे फोर्स है और फोर्स का होता है क्या, यम एल टी माइनस टू, चार्ज का मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुत पहले एटी, अब इसको क्या कर दो, ऊपर लेकर जाओ एम एल टी माइनस टू, ये ऊपर जब जाएगा ए माइनस वन और टी माइनस वन हो गया, बात समझ में आ रही है, ओके। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहां पे एम तो कहीं पे है,
एम हो गया, एल तो है ही नहीं, एल हो गया। यहाँ पे टी पावर माइनस टू, यहाँ पे टी का पावर माइनस वन, तो कितना हो जाएगा टी का पावर माइनस थ्री। यहाँ पे फिलहाल पावर कभी बोलते नहीं है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया एब्सोल्युटली वो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इस चीज को आपको भी लर्न करना है, दिमाग में रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, कहीं फैलाइए मत। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है आपका, वही होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सिंबल क्या होता है, बैटरी इज इक्वल टू बैटरी ऑफ अपॉन क्यू नॉट। एक कौन सी क्वांटिटी है, बैटरी क्वांटिटी है बच्चों, और इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन पर कूलम्ब या फिर वोल्ट पर मीटर। इसका मैं डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया, हमने कहा डायमेंशनल फार्मूला कभी रटते नहीं है, भूल जाओगे तो, बट अगर आपको तरीका पता है निकालने का तो आसानी से आ जाएगा। तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसको मैं अच्छे से करूं तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, वेक्टर या फिकल टू क्यू नॉट वेक्टर। तो इसे जिसको इतना बड़ा बड़ा करने से फायदा कोई होता नहीं है, हम लोग क्या करें डायरेक्टली बोल देते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्या बोलते हैं क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। यह क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको ऐसे भी लर्न कर सकते, लर्न कर लीजिए एफ इक्वल टू क्यू या फिर क्यू नॉट ई, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आपका टेस्ट चार्ज ही आए, कुछ और भी आ सकता है। तो एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई किसकी वजह से, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ इक्वल टू क्यू ई या फिर एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आप रखा राइट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई। ओके, तो इतना पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज टू माइक्रो कूलम, टेस्ट चार्ज टू माइक्रो कूलम एक्सपीरियंस द फोर्स, एक्सपीरियंस द फोर्स 24 न्यूटन। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज टू माइक्रो कूलम एक्सपीरियंस द फोर्स 24 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड की बात करने पर डायरेक्शन कहीं लेने देना नहीं, अभी आपको बता रहा हूं डायरेक्शन के बारे में। तो ई इक्वल टू होता है फार्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट, आपका सिंपल सा फार्मूला ए इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर ई इक्वल टू एफ कितना है 24, टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो है 10 टू पावर 6 करना पड़ेगा, इसको यहां पर कट कर दो, खत्म हो गया।
एक कर दो तो ये कितना हो गया 12, नेगेटिव है, ऊपर है क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10 पावर 6। तो इसको सेट कर दो 1.2 × 10^1 10 पावर 6, एक कर दो 1.2 × 6^1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.2 × 10^7 न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक प्रकार का इलाका होता है, एक प्रकार का रीजन होता है, और जब उस रीजन में कोई टेस्ट चार्ज आप लेकर आते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यूनर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है वही आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यूनर। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि किस तरफ होगा, तो समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट डायरेक्शन की बात करना है आपको, डायरेक्शन तो आपके पास प्लस चार्ज हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और माइनस चार्ज हो तब भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और नेगेटिव चार्ज होने पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पर कुछ तो फर्क होगा, फर्क ये होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है अगर दोनों चार्ज का, अगर हमारे पास दो चार्ज हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ध्यान समझिएगा। आपके पास मैंने कहा दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और क्या है नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा ना वो तो सेम हो सकता है, बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, दिशा की बात करूं, तो दिशा सेम नहीं होगा। तो अभी यहां पे रख लीजिए माइंड में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की ओर, आउटवर्ड, बाहर क्यों निकलेगा, आउटसाइड कह सकते हैं, आउटसाइड लिख देते हैं बढ़िया सा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इससे आप बाहर है, यहां पे क्या होता है सब इनसाइड। तो अगर आपके पास, मैं बोल दूं कि आपके पास यहां पे 2 μC चार्ज लेकिन प्लस है, 2 μC चार्ज यहां पे क्या है प्लस है, और इससे कुछ डिस्टेंस में जब इसके देखो चार्ज क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है ना, तो अगर यहां पे मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ओके, बट दिशा किधर होगा, कहेंगे सर यहां पे बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौन सा चार्ज है प्लस, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां जाता है बाहर की ओर। ओके, तो ये था डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन प्लस से बाहर की ओर होता है और माइनस में क्या होता है अंदर की ओर होता है। अगर ये माइनस चार्ज हो जाता नेगेटिव कर देता मैं, फिर आपसे पूछा यहां पर डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे बाहर नहीं, डायरेक्शन कहां होगा अंदर की ओर। तो याद रखो बच्चों, प्लस चार्ज से क्या होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज से कहां होता है अंदर की तरफ होता है। तो अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज होता है ये पूरे चैप्टर में, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उस, अगर आपको कहीं पर निकालना हो थोड़ी सी डिस्टेंस पर, मान लिया मैं आपके पास एक रीजन बना दिया, एक रीजन आपने बना दिया इस प्रकार से, और एक चार्ज यहां पर रख दिया छोटा सा, और फिर मैं कहता हूं कि यहां से कितनी दूर डिस्टेंस पर निकल मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से यहां निकालो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से यहां निकल मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से यहां निकल मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो मैग्नीट्यूड किस फार्मूले से आप गेट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं रहता है, जो आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया एक कल्टू या फपान क्यों ना, वहां पर डिस्टेंस का कोई मैटर था ही नहीं, डिस्टेंस आया ही नहीं था, लेकिन अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि इतने डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतने डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि डिस्कस करना आपको
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, सबसे पहले एक मीडियम सपोज करना है। तो मीडियम मैंने क्या सपोज कर लिया, कोई भी मीडियम हो, कौन सा कोई लेकर मान लो कोई मीडियम है, तो एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के है, और इस मीडियम मैंने क्या कर दिया एक चार्ज क्यू रिप्लेस कर दिया पॉइंट क्यू, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस चार्ज से सपोज करो आर डिस्टेंस पर, कहीं पर भी ऊपर भी होता था इधर भी इधर भी, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है पी है। ओके फिर से सुना ध्यान से, आपके पास एक मीडियम है, कंसिडर अ मीडियम इन विच अटेच चार्ज क्यू कंसिस्ट एट द पॉइंट क्यू, मतलब समझ सकते हैं यहां पे कि हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक मीडियम था और उस मीडियम का डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट कितना है के है, और उस मीडियम में एक पॉइंट ओ लोकेटेड है, एक पॉइंट क्या यहां पे ओ लोकेटेड है, और उस ओ पॉइंट पे कितना चार्ज है क्यू है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, और इसी की वजह से हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से किस डिस्टेंस पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर, किस पॉइंट पर निकालना है पी पे। अब ये प्लस चार्ज है तो 100% है, यहां पर इंटेंसिटी जो होगा उसका दिशा कहां होगा बाहर, यहां पर जो इंटेंसिटी होगा इस वजह की इसकी चार्ज की वजह से तो दिशा कहां होगी उसकी बाहर होगी, हमेशा क्लियर है पॉजिटिव से बाहर होता है। तो अब ऐसा हम सबको देखो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो 100% क्या करना पड़ेगा, यहां पर सपोज कर लो चार्ज टेस्ट चार्ज क्यों ना, कंसिडर टेस्ट चार्ज क्यों ना लोकेटेड एट द पॉइंट पी, मीडियम के था ओके पॉइंट ओ लोकेटेड था, इस पे चार्ज कितना है क्यों है, यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पे क्या करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना है, यहां पर क्या सपोज कर लिया क्यों ना। तो अब उनके बीच क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे देखो प्लस प्लस क्या कर रहा होगा, प्लस प्लस क्या कर रहा होगा रिपल कर रहा होगा ना, तो दर्शन कहां जाएगा भाई बाहर ही ना जाएगा, तो ये प्लस ये भी क्या कर रिपल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, तो क्या होगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ आल नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, आपको क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, तो रख दो उसका ना थोड़ी ना एफ की वैल्यू रखो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट क्या हो गया खत्म हो गया, एक करोड़ कितना हो गया यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, देखो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं किया, क्योंकि यहां पे क्यू नॉट में आया ही नहीं कहीं पे फार्मूले में, तो ई जो होता है वो क्यू नॉट से क्या है डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, और किस पे डिपेंड करता है सिर्फ आर स्क्वायर पे, यानी कि ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/r2। तो अगर मैं ई और आर के बीच ग्राफ ड्रा करता हूं, तो देखिए ग्राफ सपोज करो ये डिस्टेंस आर है और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो ग्राफ होता है कि अगर जैसे जैसे देखो ग्राफ समझो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑब्वियसली कम होता जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा होगा। तो सपोज बहुत कम डिस्टेंस था यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होता हुआ चला जा रहा है, तो किसके बीच का ग्राफ है ए प्रोपोर्शनल 1/r2 ए प्रोपोर्शनल 1/r2। तो इसमें ये क्या था समझाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस चार्ज की वजह से पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना हुआ। तो पहले मैंने फोर्स निकाला फिर फॉर्मूले में रख दिया और इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन
तो ई परपोर्शनल आर स्क्वायर, इसका मतलब जैसे जैसे आप चार्ज से दूरी बढ़ाते जाएंगे, चार्ज यहाँ पे जैसे जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होता हुआ चला जाएगा और एट लास्ट में क्या हो जाएगा बिल्कुल जीरो खत्म हो जाएगा। सही बात है। आप बहुत दूर चले जाओगे रीजन से पार चले जाओगे उस रीजन से पार चलेगा उसके क्षेत्र से तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपके पास चार्ज है आप उसकी इंटरेस्ट रीजन यहाँ पे है तो जब इसके आप रीजन से बाहर जाओगे तो आप पे कहां फोर्स लगेगा भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं कुछ। तो ये था। तो स्टूडेंट द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल। ओके थैंक यू।